हो जाएगा अपने पास कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये अपने पास नेक्स्ट आइडेंटिटी हो जाएगी। ये वो अच्छे से बेटा यहां पर यस सर ओके कल्याण नोट डाउन बेटा अच्छे से यस सर ओके ओके नोट डाउन बेटा कर लिया क्या नोट डाउन यस सर यस सर ओके बेटा ठीक है। तो अब अपने पास जो भी आइडेंटिटीज आई हैं यार इससे रिलेटेड वो लिख लेते हैं एक बार के लिए, और उन आइडेंटिटीज से और क्या आइडेंटिटी अपन बना सकते हैं, क्या आइडेंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं वो देख लेते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन से। देखिए बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी है अपने पास दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्लियर है वाली बात। तो जब भी अपने पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर गिवन है और उसके अंदर ये जो भी एंगल है ये एंगल अगर क्या हुआ सेम हुआ तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ पे क्या है सेम है तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात यस सर। जैसे कि अगर अपन बात करें अगर साइन स्क्वायर यहाँ पे एंगल अगर ए हुआ कॉस स्क्वायर ए तो भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बस स्क्वायर होना चाहिए सम होना चाहिए और एंगल सेम होना चाहिए तो उसका वैल्यू हमेशा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात ओके। सिमिलर अगर अपने को साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के अंदर शिफ्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इफ रिक्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा देन इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में चेंज करना है अपने को तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा यस सर। कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओके। सेकंड आइडेंटिटी में अपन देखते हैं भाई अपने पास क्या आया था दैट sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आया था बेटा अपने पास। तो अब यहाँ पे अपन sec स्क्वायर थीटा को अगर इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर दिया अपन ने तो हो जाएगा 1, ये माइनस था ये हो जाएगा इक्वल टू किधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा ये
एंड सिमिलर टेन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन स्क्वायर थीटा अगर यहां से फाइंड आउट करोगे क्या आ जाएगा, देखिए इस वन को इक्वल टू इधर शिफ्ट कर दो तो ये जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। थर्ड नंबर पे क्या आया था अपना, दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन था अपने पास, दैट इज वन। सो द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा इज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को ये शिफ्ट कर दिया अपन ने। सिमिलर अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, सर डन। शुरू हो गया, हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके अब देखते हैं इसके कुछ एक एग्जांपल्स। बेसिक से चलते हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल फर्स्ट इज एफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू टू बाय थ्री, देन फाइंड all other trigonometric ratios, all other trigonometric ratios of theta, angle theta के बाकी remaining जो भी trigonometric ratios हैं वो find out करने हैं, ठीक है ना? तो देखिए भी अपन ये right angle triangle form करेंगे, हो गया अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल। ओके इस एंगल को एज्यूम कर लिया, ये एंगल अपना क्या है बेटा थीटा है। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके अब अपने को अच्छे से पता है कि टेन थीटा अपना क्या होता है बेटा, सर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। टेन थीटा इज अपोजिट साइड ए बी अपॉन क्या होता है बेटा बीसी। Yes, sir. And tan theta according to the equation क्या given है बेटा अपने पास, that is 2 upon 3। clear है वाली बात बेटा? Yes, yes, sir. Okay. ये अपने पास ratio है AB upon BC is equals to 2 upon 3 आया अपने पास, that means AB को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, so AB अगर equal लिखना चाहे अपन तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या गिवन है अपने पास, रेशियो गिवन है बेटा। यस सर। और जब भी अपन रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो अपन क्या करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं, तो किसी एक सिमिलर कांस्टेंट से क्या करना हो रहता है अपने को डिवाइड करना रहता है, तो इससे अगर अपने को एक्चुअल साइड्स देखनी है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वो सिमिलर कांस्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा, लेट द सिमिलर कांस्टेंट जिससे अपन ने डिवाइड किया दैट इज के, यहाँ पे एबी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा एंड BC का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा दैट इज 3k। तभी तो यहाँ पे AB रेशियो BC जो है
वो अगर फाइंड आउट करोगे 2k ratio 3k तो वो कितना आ जाएगा 2 ratio 3 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। अपने अपन जब भी रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो अपन क्या करते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए किसी सिमिलर कांस्टेंट से डिवाइड ही तो करते हैं अगर वो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मान लिया कि वो जो भी अपने पास कॉमन फैक्टर जो था दैट इज के, तो एक्चुअल साइड अगर अपने को फाइंड आउट करनी हो रेशियो जब भी गिवन होता है तो उससे अगर अपने को एक्चुअल फाइंड करनी होती है तो अपन क्या कर लेते हैं एक कोई भी कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो वो अपने पास एक्चुअल साइड आ जाती है। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। अच्छे से ए सी स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाएगा इसके बेटा ए बी स्क्वायर दैट इज टू के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज थ्री के स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा बेटा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा फोर के स्क्वायर एंड प्लस थ्री के स्क्वायर का थ्री के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन के स्क्वायर ओके तो ए सी स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 13 के स्क्वायर। और जैसे ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे यहाँ से तो ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा कि तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 के तो ए सी का वैल्यू अपने पास कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 13 इनटू के क्लियर है यहाँ तक बेटा अच्छे से यस सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा नो सर ओके अब देखते हैं जरा साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने अपने को साइन थीटा अपना क्या होता है बेटा साइन थीटा इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा थीटा के अपोजिट साइड दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13k के से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13 तो इस एंगल का साइन रेशियो जो है वो कितना आएगा दैट इज 2 अपॉन रूट 30 क्लियर हुआ अच्छे से बेटा यस सर सिमिलर कॉस रेशियो क्या हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा हो जाएगा करस्पोंडिंग साइड ऑफ थीटा दैट इज बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी तो देखिए भैया कितना हो जाएगा 3k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13k तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3 अपॉन कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? ओके यस सर। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं कॉट रेशियो। कॉट रेशियो क्या होता है अपना बेटा द एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड तो हो जाएगा बीसी अपॉन एबी बीसी यहां पे कितना गिवन है 3k इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा 2k 3k अपॉन आ जाएगा 2k तो ये कितना आ जाएगा बेटा दैट इज 3 बाय युवराज यस सर आया समझ में यस सर आ गया सर डन
ओके नोट डाउन कर लिया सब नोट डाउन बेटा यस सर ओके तो सिमिलर और कौन से रेशियोज रिमेनिंग रहेगी इसमें सेकंड और कोटेंजेंट रेशियो रहेगा अपने पास सॉरी कोसेकंड सेकंड और कोसेकंड रहेगा तो sec of थीटा की अगर अपन बात करें तो sec थीटा क्या हो जाएगा बेटा AC upon BC हो जाएगा तो AC upon BC कितना हो जाएगा भाई AC कितना square root of 13 k is divided by 3 k तो यहां से sec थीटा अपने पास कितना आ जाएगा एक k से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये रिमेनिंग रह जाएगा square root of 13 upon 3 ओके cosec थीटा क्या होता है बेटा अपना cosec थीटा दैट इज AC upon opposite side दैट इज AC upon AB तो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13k अपॉन 2k तो जाएगा अपने पास क्या कोसेक थीटा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाय 0 आए अच्छे से यस सर ओके नोट डाउन बेटा ये यस सर ओके अब तुम्हारे लिए जो होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट ऑफ एनसीईआर ओके और नेक्स्ट क्लास से पहले सबको सबमिट करनी है बेटा प्रियांशी अभी तुम्हारा होमवर्क सबमिट नहीं हो रहा है ना यस सर तो नेक्स्ट क्लास से पहले सब लोगों को ये वाला जो भी होमवर्क है वो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे सेंड करना है सॉल्व करके ओके ऐसे नहीं कि पता चला भाई साहब ने सबके आंसर्स लिख करके भेज दिए जो एनसीईआरटी के पीछे गिवन कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना है क्लियर है वाली बात जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओके Yes, okay, बेटा आए यहाँ तक समझ में किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा एनी डाउट नो सर ओके चलिए बेटा तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सब लोग अपना अपना ध्यान रखें मस्त रहें दस्त रहें और बढ़िया से पढ़ाई करते रहें ओके थैंक यू सर बाय बाय ऋषभ देव सिंह सर जो लास्ट स्टेप होता है बीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर उसमें बाद में डिनोमिनेटर जैसा क्यों आता है बाद में डिनोमिनेटर जैसा क्यों आता है सर रीजन बताना बीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर थोड़ी ना आता बेटा एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर जो है वो एबी स्क्वायर के इक्वल आता है बेटा वो तो पाइथागोरस से आया ना बेटा पर वो अपन ने जानबूझ के वो चीज प्रूव करने के लिए वैसा किया है अपन ने ताकि वैसा क्रिएट हो जाए तो फिर अपन बता पाए कि देखिए भाई साहब यहाँ पे साइंस पर थीटा प्लस कॉस पर थीटा इक्वल टू वन हो रहा है ओके यस सर वो तो अपने को आइडेंटिटी अपन ने अपने जिन लोगों ने भी पहले आइडेंटिटीज बना दी है उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे अपन तो ठीक है ना तो वो आइडेंटिटीज पहले से प्रूव्ड है ना पहले से वो आइडेंटिटीज क्रिएटेड है तो अपन ने तो क्या किया उसका प्रूफ देखा है कि ऐसा क्यों हुआ अगर मैं तुम्हें सीधे डायरेक्ट बोल देता कि देखो बेटा साइंस का डेटा प्लस कॉस का डेटा का वैल्यू वन होता है तो फील नहीं आती है एक्चुअली ठीक है ना इसीलिए अपन ने उसका प्रूफ देखा ओके ओके बेटा बाय